हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लौकी का हलवा बनाने जा रहे हैं, जो बहुत स्वादिष्ट होता है और सेहतमंद भी होता है। इसमें क्या क्या सामग्री लगती है जो हम देख लेते हैं। इसमें कद्दूकस करी हुई लौकी, एक गिलास दूध, स्वाद अनुसार चीनी और ड्राई फ्रूट्स डलते हैं वो हम देख लेते हैं। काजू, बादाम, किशमिश, घी, मलाई और इलायची पाउडर। हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। आप देखिए, लौकी का हलवा बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई गरम कर ली है और कढ़ाई गरम होने के बाद में हम इसके अंदर घी डालेंगे। हम इसमें 4 चम्मच घी डालेंगे। घी को गरम होने के बाद में हम इसमें कद्दूकस करी हुई लौकी डाल देंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पे चलाएंगे। धीरे धीरे इसको हम लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे। जिससे लौकी का पूरा पानी जल जाए। फिर हम थोड़ी तेज कर लेंगे। इस तरह धीरे धीरे चलाते हुए हम लौकी को पानी सूख जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसका पानी सूख चुका है। काफ़ी देर हो गई है घिया को चलाते हुए हलवे को। अब हम इसमें दूध डालेंगे। ये 1 गिलास दूध डाल देंगे। फिर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे ये गाढ़ा हो जाएगा और ये दूध इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इसको हाई फ्लेम पे चलाते रहेंगे, जिससे ये दूध इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह हम इसको 5 मिनट चलाएंगे, उसके बाद ये दूध एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये पूरा दूध एब्जॉर्ब हो चुका है, इसके अंदर मिक्स हो चुका है घिया के अंदर। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। मलाई डालने के बाद में हम इसको थोड़ी देर चलाएंगे, जिससे इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें मलाई मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे। अब हम इसको मिला लेंगे। इसको हम मिलाएंगे और चीनी अपना पानी छोड़ देगी। इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे और तेज आंच पे इसको पकाएंगे। हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए। देखिए फ्रेंड्स, चीनी ने अपना पूरा पानी इसमें लौकी में एब्जॉर्ब हो चुका है। और इस स्टेज पे हम इसमें ग्रीन फूड कलर भी डाल सकते हैं, जो ऑप्शनल है।
आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ी देर चलाने के बाद में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये पूरा पानी सूख चुका है इसके अंदर। अब इस स्टेज में हम इसमें काजू डालेंगे, बादाम, किशमिश। अब हम इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे जिससे ये थोड़े से पक जाए। हमारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मिक्स हो चुके हैं। लास्ट में हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा लौकी का हलवा तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लौकी का हलवा तैयार है। आप भी बनाइए और खाइए।